दिल्ली में एयर क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो गई है। ऐसी स्थिति में जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उन्हें खास सलाह दी गई है कि वो ना जाएं। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो लोग सुबह घूमने जाते हैं वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसका सेहत पर बुरा असर होता है। एयर पॉल्यूशन के लेवल को देखते हुए सुबह सैर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचाता है। इसका कारण सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। दिल्ली में एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण सांस संबंधित बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। एयर क्वालिटी खराब होने के कारण प्रदूषण रोधी योजना GRAP के दूसरे चरण को लागू करने के बावजूद दिल्ली में देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। हम सभी जानते हैं कि दिल का दौरा सुबह जल्दी उठने के समय और सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण होता है। इससे दिल के दौरे का खतरा और भी बढ़ जाता है। वे सभी लोग जो उच्च जोखिम वाले हैं, यानी जिनके परिवार के लोग दिल की बीमारी से जूझे हैं और उच्च रक्तचाप है, जो मधुमेह के रोगी हैं और जिन्हें फेफड़ों की कोई अन्य समस्या है, उन्हें सुबह सुबह सर्दियों में सैर या कसरत करने की सलाह नहीं दी जाती। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट और वैस्कुलर सर्जरी के निदेशक और प्रमुख डॉक्टर उदगीत धीर ने कहा कि ऐसे लोगों को खासकर सर्दियों में मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।